फ्रेंच फ्राइज। आलू हम बड़े साइज का लेंगे। आलू का छिलका निकाल लेंगे। आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे। सारे आलू को हम इस तरह से कट कर लेंगे। कटे हुए आलू को हम धुल लेंगे। पानी गर्म हो गया, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये आलू भी हम इसमें डाल देंगे। हम इसे एक मिनट तक पकाएंगे। ये एक मिनट हो गया है, गैस को ऑफ कर देंगे। आलू को हम छान लेंगे। अभी हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। अभी हम इसे वापस निकाल लेंगे पानी से। आप इसे साफ कपड़े में इसका पानी आप अच्छे से सुखा लें, या फिर आप इसे पंखे के नीचे रख दें 15 मिनट के लिए, इसका पानी सूख जाएगा। इसका पानी अच्छे से सूख गया है। बड़े चम्मच से एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। इसे ज़्यादा कुरकुरे बनाने के लिए हम चावल का आटा थोड़ा सा डालेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। तेल गर्म हो गया है, हम तेल ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, हल्का ही गर्म करेंगे। अभी हम इसमें एक एक करके आलू डालेंगे। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का गोल्डन करेंगे। अभी ये हो गया, इसे निकाल लेंगे। हम इसे 7 दिन तक फ्रीजर में रख कर यूज कर सकते हैं। जब भी आपको खाना हो तभी इसे वापस तल कर खाएं। अभी हम इसे वापस एक बार कर लेंगे। अभी हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अभी ये गोल्डन हो गया, इसे निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना क्रंची और कुरकुरे बना है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया हो तो मुझे लाइक कीजिए, और भी अच्छे से वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। मैं फिर से आऊँगी कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।